कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो शुरुआत से ही अपने मंजिल को हासिल करने के लिए एक तरह से जो टेक्निकल होता है, मोबाइल को त्यागना, टीवी को त्यागना, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं जिससे खुद को एंटरटेन कर सकते हैं उन चीज़ों से दूर रह करके, और कुछ छात्र होते हैं कि नहीं सब कुछ करते हुए पढ़ाई करते हैं। तो आप किस टाइप में थी, टाइप वन या टाइप टू? मधुबनी जिले की अगर मैं साक्षरता दर की बात करूँ तो वहाँ पर 77% लोग साक्षर हैं। और आप जिस प्रखंड से आती हैं, हरलाखी प्रखंड आपका मूल गांव है, उस हरलाखी प्रखंड में 55% साक्षरता है, उसमें महिला की साक्षरता दर 34% मात्र है। और आप वहां से निकल करके एक ऐसी बेटी संप्रीति जो कि पूरे देश भर में अब नाम रोशन कर रही हैं, और 1,10,00,000 का आपको पैकेज मिला है, और अपने एरिया का लिटरेसी रेट का इतना कम होना, क्या इस पर दुख नहीं होता है? और सरकार को क्या करना चाहिए? अहाँ के पोती कहते हैं पैघ उपलब्धि भेटल है, खुश छियै? हाँ, बड़ खुश छियै, बड़ जानते छलिए, खेलबे छलिए, धियापुता में अबे छलिए, तो जन कहते कि बुआ कते कुत्ता देख ले, चार गिन दीतियै, तैती पापा कै को देख ले, या नै ना कर लेते, चार चार। अहाँ सब बूढ़ पुरान छियै, तो पहले जे बेटी होइ छलैया तो लोग कहै छलै बेटी भऽ गेल, मतलब लोग के चिंता भऽ जाइ छलैया कि केना कन्यादान करब, बेटी होइ छलैया तो घरों में झगड़ा झंझट होबय लागै छलैया, और अहाँ के घर के बेटी एते पैघ नाम रोशन कऽ देलथि, लोग के की कहऽ चाहबै बेटी के लेल? हमरा पोती भेल तऽ बड़ खुश छी। हम गाँव गेल छलियै वहाँ पे पोखरी में, आम गाछी में, काफी इंजॉय मैंने किया था, सब याद ताजा छे। अभी दादी के साथ भी यहाँ पे मैथिली में ही बात करती हूँ, मिथिला पेंटिंग भी सीखने छी, तो काफ़ी जुड़ा हुआ है। गर्मी छुट्टी में भी हम जाए गेल छलिए। आयुष, दीदी के सफलता पर कते खुश छी? बहुते खुश छी। हाँ, कौन क्लास में पढ़े छी? 3। दीदी पढ़ाई में मदद करे शायद? हाँ। अहाँ दीदी के तंग करे छी? उड़ान भरने दे, उसे पंख लगने दे, उन्हें अपने घर में बोलने दे, और इतना बोलने अपने पिता के सामने, भाई के सामने इतना बोलने दे कि वह इतना मजबूत बन जाए कि वह बाहर जाकर कुछ भी कर सकती है। और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ किसी भी बच्चियों के लिए कि कोई भी बच्ची यदि अपने परिवार में दब कर रहेगी तो वह बाहर नहीं बोल सकती है, सड़क पे कैसे किसी सामना कर सकती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि अपने बच्चियों को अपने घर में बोलने दें, उन्हें अच्छी शिक्षा दीक्षा दें, उनके खाना पोषण पर भी ध्यान दें, मैंने उसे फ़र्क आप न करें कि बेटा है और बेटी है। हमारे यहाँ एक बोला जाता है कि बेटा से ही मोक्ष मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा है, ये सृष्टि ही लड़का और लड़की दोनों से चलता है, तो हम क्यों कौन होते हैं फर्क करने वाले? और जब हम फर्क नहीं करेंगे तो मैं समझती हूँ जैसे मेरी बेटी ने आज किया है, सबकी बेटियाँ ऐसे ही दुनिया में नाम रोशन करेंगी। मतलब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी बेटी का जन्म होने वाला था, तो उस समय मैं कलकत्ता में बैरकपुर एयरफोर्स स्टेशन में रहती थी, मेरे पति की वहीं मतलब सर्विस थी। तो मुझे जहाँ तक याद है कि जब हम वॉकिंग करने शाम को जाते थे तो एक बहुत अच्छा सा तालाब था, लेक, उसके किनारे चेयर पे बैठती थी मैं, और वहाँ एक दरवाज़ा बना था जिसमें संप्रीति लिखा हुआ था। तभी से मेरे दिमाग में आया कि मेरी बेटी होगी तो मैं संप्रीति ही नाम रखूँगी। तो घर में मैथिली भाषा का प्रयोग होता है और गाँव से लगाव है अभी तक? हाँ बिल्कुल, बहुत लगाव है अभी भी, माँ हमारे साथ ही रहती हैं यहाँ पे, और जब हम लोग घर पे कोई बातचीत, कोई भी फंक्शन, कोई भी होता है, इवन पटना में भी और बाहर भी रहते हैं तो कोई मैथिली भाषा के लोग मिल जाते हैं तो हम लोग मैथिली में ही अमूमन बात करते हैं। बेटी को कहीं ना कहीं एक तरह से बोझ समझ लेते हैं आज के समय में भी, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी तक आपने कभी वोट किया है? हाँ, जितने भी लोग शुभकामना दे रहे छी उन सबके धन्यवाद बहुत। नमस्कार जी, मेरा नाम गायत्री है। तो मेरे घुटनों में दर्द रहता था, मेरे बेटे ने बताया कि डॉक्टर सादा जी के बारे में कि जाओ वहाँ दवाई लो, वहाँ से आप ठीक हो जाओगे, और मैं 2-3 महीने से दवाई खा रही हूँ तो अब बहुत ठीक हूँ जी मैं यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं BNN न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ बीजे विकास, और आज हमारे साथ हैं संप्रीति यादव जो कि पूरे देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। संप्रीति यादव मूल रूप से मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल अंतर्गत हरलाखी प्रखंड के गंगौर पंचायत से आती हैं और गांव है पचगछिया, वहां से ये आती हैं, इनका मूल गांव वहीं है, और फिलहाल यह पटना के नेहरू नगर में रहती है। और चर्चा में जो आई है इसकी वजह यह है कि गूगल ने इन्हें 1,11,00,000 का पैकेज ऑफर किया है, जिसके बाद से यह पूरी देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। और इनकी माता जी से भी हम बात करेंगे, इनके पिताजी से भी बात करेंगे, और फिलहाल हमारे साथ संप्रीति हैं। संप्रीति का स्वागत करते हैं। संप्रीति, आपका स्वागत है। थैंक यू।
संप्रीति, आप अभी देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई हैं, लगातार मीडिया अटेंशन आपको मिल रहा है और आपने गूगल में 1,11,00,000 का पैकेज हासिल किया है। पहली प्रतिक्रिया इस पर क्या देंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है और जैसे शुरुआत में इतना फील नहीं हो रहा था, बट जैसे जैसे अब लोग कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, अब जैसे लोग बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी बात है, तो एक्चुअली रियलाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे कि हाँ शायद सही में बहुत बड़ी बात है। अभी आपकी उम्र 24 साल है शायद, तो जैसा कि जानकारी हमें मिला है, तो 24 साल की उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि को हासिल करना और जिस परिवेश बिहार का, अगर मैं 100% परिवेश की बात करूं, तो बहुत से लोग जो कि जिन्हें इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है पढ़ाई को लेकर के या अपने सपनों के बारे में सोचने को लेकर के, वो सोच भी नहीं पाते हैं 20-22 साल की उम्र तक में कि हमें करना क्या है, मैं अपने आप को किस दिशा में लेकर के जाऊंगा। और आपने 24 साल की उम्र में बीटेक कंप्लीट कर लिया कंप्यूटर साइंस से और माइक्रोसॉफ्ट के बाद गूगल कंपनी की तरफ आप मूव कर रही हैं, तो आपने ये सपना कब देखा था? मम्मी पापा ने देखा था सपना, उसे आप पूरा कर रही हैं, या ये सपना आपका खुद का था और कब देखी थी, किस उम्र में सपना देखी थी? ये तो मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी रही हूँ कि मेरे पास सारे रिसोर्सेज और ये सब हमेशा अवेलेबल थे और मेरे पेरेंट्स हमेशा से ही, मतलब आई थिंक बचपन से ही उन्होंने ऐसा ये पर्टिकुलर सपना नहीं देखा था, बट उन्हें पता था, वो हमेशा मोटिवेट करते थे मेहनत करने के लिए, हमेशा मैंने अपने देखा अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए, तो मुझे हमेशा पता था कि मुझे जो करना है खुद से करना है, अपनी मेहनत अपने वो पे करना है और कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है। और हमेशा से ये सपने देखने की चीज़, कभी गिव अप नहीं करना अपने पे और लगे रहना जब तक पूरा नहीं हो, तो ये बचपन से ही मुझे ऐसा एनवायरनमेंट मिला और ऐसी थिंकिंग थी हमारे घर में सबकी कि कभी कि डायरेक्शन जो भी हो, जो भी चूज़ करो तुम, उसमें अपना बेस्ट देना है, हमेशा उस पर लगे रहना है, कभी गिव अप नहीं करना है। आपका जो बीटेक का जो बैच रहा वो 17-21 का बैच था, तो आपने 17 से पहले बीटेक प्लान किया होगा? आमतौर पर जो लड़कियां अभी बढ़ पा रही हैं टेक्निकल डिग्री में जितनी भी पढ़ाई करती हैं, हालांकि वो ज़्यादा संख्या नहीं है, लेकिन जितनी भी संख्या है वो मोस्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस ब्रांच को सेलेक्ट करती हैं। तो एक होता है कि लोग देख करके भी कि बहुत सारी लड़कियां कंप्यूटर ले रही हैं, तो उस भीड़ का हिस्सा बन जाना, और आपने कंप्यूटर साइंस लिया है, बीटेक करना था आपको, लेकिन ब्रांच को लेकर के जो कन्फ्यूजन होती है लड़कियों में, तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच और बाकी ब्रांचेज, इसको किस तरह से आप देखते हैं? आजकल कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, सिंस आप देख ही रहे होंगे, आजकल हर तरफ टेक्नोलॉजी की, हर ही फील्ड में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ रहा है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस की बहुत ज़्यादा एकदम से डिमांड हो गई है, बहुत जॉब्स अवेलेबल हैं इस फील्ड में। तो इवन दो कोई दूसरे फील्ड में भी होता है तो वो इस तरफ, इस कोडिंग करके वो इस फील्ड की तरफ बढ़ना चाहता है। अब दूसरा सवाल आपने क्या पूछा था? कि ब्रांच को लेकर के जो कन्फ्यूजन रहती है लड़कियों में, और कुछ जैसे कि एक भीड़ का हिस्सा बन जाना कि बहुत सारी लड़कियां कंप्यूटर साइंस ले रही हैं तो हम भी ब्रांच कंप्यूटर साइंस ले लें, तो लड़कियां इस पे कन्फ्यूज होती हैं ये। हाँ, तो मतलब मुझे लगता है कि अगर आप बहुत श्योर हैं किसी चीज़ को लेके, अगर कोई और भी आपको बहुत ज़्यादा श्योर हैं तो आप वो कर सकते हैं। मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि आप भीड़ का बस हिस्सा बन जाएं अगर आपको सही में मन नहीं है, बट अगर भीड़ किसी तरफ जा रही है तो आई थिंक उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि क्यों ऐसा, ऐसी क्या चीज़ है, जो ऐसा क्या आने वाला है। और जैसे जैसे मतलब हमारी फील्ड में भी ऐसा है, आप देख रहे होंगे कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं, कंप्यूटर साइंस के अंदर भी हमेशा चीज़ें चेंज हो रही है, हमेशा नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हमें भी अपने आपको पूरी तरीके से इक्विप रखना है उससे कि नए लैंग्वेज क्या आ रहा है, हमें भी हर दिन सीखते रहना है। जब भी किसी कोई छात्र अपने जीवन में सफलता हासिल करते हैं तो आमतौर पर जो अखबारों में छपती हैं, मीडिया में आती हैं, स्टडी आवर, कि आप कितने घंटे पढ़ाई करती हैं, उसके साथ साथ मैं आपको इसमें एक और मैं सवाल ऐड ऑन करना चाहूँगा कि कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो शुरुआत से ही अपने मंजिल को हासिल करने के लिए एक तरह से जो टेक्निकल होता है, मोबाइल को त्यागना, टीवी को त्यागना, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं जिससे खुद को एंटरटेन कर सकते हैं, उन चीज़ों से दूर रह करके मतलब एक तरह से पागलों की तरह पढ़ाई करते हैं, और कुछ छात्र होते हैं कि नहीं सब कुछ करते हुए पढ़ाई करते हैं, तो आप किस टाइप में थी, टाइप 1 या टाइप 2? आई थिंक मैं हमेशा से मैं सब कुछ करते हुए ही पढ़ाई करती थी, और बैलेंस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि एक प्रेशर, अगर मैं नहीं कुछ करती थी तो मुझे काफ़ी प्रेशर भी फील होता था कि पूरे दिन एनवायरनमेंट में, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा हो सकता है कि किसी की प्रोडक्टिविटी उस वो जोन में ज़्यादा आती हो और किसी की प्रोडक्टिविटी ऐसे आती हो, ये आई थिंक एकदम पर्सनल चॉइस हो सकती है बिल्कुल। बट मैं हमेशा से रही हूँ कि मैं फ़ोन भी यूज़ करती थी, मैं टीवी भी यूज़ करती थी, काफ़ी बार ज़्यादा भी हो जाता था मुझे, इसकी वजह से दिक्कत होती थी, फिर उसको कंट्रोल करना पड़ता था, बट ये ऊपर नीचे रहा है। मतलब बीटेक से पहले आपकी जो पढ़ाई रही है, 12th की पढ़ाई रही, 10th की पढ़ाई रही, वो कहाँ से रही और कैसे रही?
टेंथ तक मैंने नॉटर डेम अकेडमी पटना से पढ़ाई की और उसके बाद 11th 12th में मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। वहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी IIT की और उसके बाद फिर 11th 12th फिर JEE मेंस देखे और फिर BTech दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से। बीच में आपने एक साल के साथ गैप भी लिया था 12th करने के बाद, तो गैप की वजह क्या थी? मुझे लगता है कि 11th 12th में मैं जब दूर थी फैमिली से और वहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही थी अकेले, तो मुझे लगता है कि काफ़ी उस टाइम, और वो काफ़ी लोगों को पता होगा कि वो टाइम काफ़ी JEE का प्रिपरेशन, काफ़ी प्रेशर और काफ़ी कुछ नर्वसनेस, और उस टाइम काफ़ी कुछ फील हो रहा था और अकेला भी फील हो रहा था क्योंकि घर से दूर रहती थी। तो आई फील फिर जब मैं वापस घर आई तो मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिला और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट लगा। मुझे लगा कि मैं घर से कर सकती हूँ, बेटर कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार और ट्राई कर सकते हैं। आप जिस जिले से आती हैं, बिहार में मधुबनी जिले से आप आती हैं, और आपने जो सफलता हासिल की उसकी चर्चा चहुओर है और सब लगातार आपको बधाई भी दे रहे हैं। तो मधुबनी जिले की अगर मैं साक्षरता दर की बात करूँ तो वहाँ पे 77% लोग साक्षर हैं, और आप जिस प्रखंड से आती हैं, हरलाखी प्रखंड आपका मूल गाँव है, उस हरलाखी प्रखंड में 55% साक्षरता है, उसमें महिला की साक्षरता दर 34% मात्र है। और आप वहाँ से निकल करके एक ऐसी बेटी संप्रति जो कि प्रदेश भर में अब नाम रोशन कर रही हैं और 1,10,00,000 का आपको पैकेज मिला है, और अपने एरिया का लिटरेसी रेट का इतना कम होना, क्या इस पे दुख नहीं होता है और सरकार को क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि सरकार को तो बहुत कुछ करना ही चाहिए, बट हर इंसान को, सबको सोच बदलनी पड़ेगी काफ़ी हद तक। लड़कियों को खुद आगे बढ़ने का वो लेना पड़ेगा और उनके आसपास जितने लोग हैं बचपन से जो उनके, जो उन्हें बड़ा कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो वो उनको हमें बचपन से ये ना बोल के कि उनका शादी करने का ही वो हो, या फिर उस डायरेक्शन में वो करने की नहीं, इंडिपेंडेंस की, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, कि वो लड़कियों के लिए कितना ज़रूरी हो सकता है। आई थिंक ये सब उन्हें बचपन से बताने की ज़रूरत है और ये इन्हें कितना आगे लेके जाएगा। तो हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब की, एक एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आसपास जितनी लड़कियां हैं उनको प्रोवाइड करें और वो लड़कियां भी खुद मतलब मोटिवेटेड हों, इस चीज़ को लेकर सोचें कि वो कर सकती हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है जो लड़के कर सकते हो लड़कियाँ नहीं कर सकती। अभी आप गूगल में जाने वाली हैं, शायद 14 फरवरी को आपका यहाँ से जाना है, आपको आप ज्वाइन करेंगी। लगातार कई इंटरव्यू में आपने ये चीज़ बताया है, लेकिन सबसे यूनिक सवाल है और सब जानना चाहते हैं कि आखिर गूगल में नौकरी लगती कैसे है, प्रिपरेशन कैसे करें। आपने कई सारे इंटरव्यू में बताया कि आप लगातार तैयारी कर रही थी, और जैसा कि मुझे पता है आप अपने परिवार के लोगों को भी सारा कुछ बता करके नहीं रखी हुई थी। आप नौकरी कर रही थी माइक्रोसॉफ्ट में, उसके बाद आप लगातार तैयारी कर रही थी गूगल के लिए, तो क्या कुछ प्रोसेस रहा, और इससे पिछले का जॉब कैसा था, क्या पैकेज थी आपकी? इससे पिछला जॉब जो मैं माइक्रोसॉफ्ट में कर रही थी उसमें 44 लाख का पैकेज था, उसमें स्टॉक्स सब कुछ इंक्लूडेड था और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब काफ़ी टीम काफ़ी अच्छी थी, काम अच्छा था, मैनेजर एंड ऑल सपोर्टिव थे। तो एज अ पहला जॉब जो एक थोड़ा सा डर होता है, वो डर काफ़ी कि नई चीज़ होंगी, नया इन्वायरमेंट होगा, तो वो सब काफ़ी कम्फर्टेबल था। वर्किंग लोकेशन कहाँ था? इंडिया? हाँ, हैदराबाद में। हाँ, बट अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था क्योंकि कोविड है। तो ये था, और एक और सवाल क्या पूछा आपने? अभी गूगल का जो स्टेप बाय स्टेप। हाँ, अच्छा, हाँ, तो फिर जैसे जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में थी, मैं 7-8 महीने से काम कर रही थी, तो फिर भी मैं लाइक बाहर के अपॉर्चुनिटीज़ देख रही थी, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ और क्या एग्जिस्ट करते हैं। मैंने अपने दोस्तों को देखा, कुछ सीनियर से बात की जो बाहर रहते हैं ऑलरेडी, तो मुझे पता चला कि अच्छा ये सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर मैंने बहुत ढूंढा, काफ़ी जगह अप्लाई किया, फिर उनमें से 2-3 जगह से मुझे कॉल आया, और ऐसे काफ़ी राउंड्स में इंटरव्यू प्रोसेस हुआ, 8-9 राउंड्स के करीब टोटल, तो और उसके बाद फाइनली ऑफर मिला। आपके परिवार में आपके अलावा और कौन कौन लोग हैं? मेरी माँ, पापा और भाई है छोटा, और अभी तो काफ़ी लोग घर पे रहते हैं, दादी भी हैं, चाचू भी हैं। संप्रति, अतिक पैघ सफलता अहाँ के हासिल भेला, और लगातार अहाँ के अपन क्षेत्र से, जैकि मिथिलांचल क्षेत्र से, अपन सबके मिथिला क्षेत्र से, तो मधुबनी, नहीं मधुबनी, पूरा जिला, बेनीपट्टी, हरलाखी, हर जगह क्षेत्र से लगातार लोग अहाँ के सोशल मीडिया पर शुभकामना दऽ रहल छथि, बधाई दऽ रहल छथि, गौरवान्वित महसूस कऽ रहल छथि अहाँ की उपलब्धि पर। तऽ की अखनो अहाँ के अपन गाँव जेकि पचगछिया अछि गंगौर पंचायत के हरलाखी प्रखंड, कि गाँव से लगाव छै, गाँव एनाइ जेनाइ होइ छै, और घर में मैथिली भाषा, कि अहाँ मैथिली भाषा के प्रयोग करै छियै, तऽ मैथिली और अपन गाँव से की केना प्रेम अछि, केहन संबंध अछि अखन? हाँ, हम गाँव गेल छलियै यऽ, वहाँ पे पोखरी में, आम गाछी में, काफी इंजॉय मैंने किया था। चाचू, बिजली चाचू, शिवजी चाचू, अशोक चाचू के साथ सब याद ताजा छै। अभी दादी के साथ भी यहाँ पे
मैथिली में ही बात करती हूँ, मिथिला पेंटिंग भी सीखने छी, तो काफ़ी जुड़ा हुआ है। गर्मी छुट्टी में भी हम जाए गेल छलिए, जते भी लोग शुभकामना दे रहल छी उन सबके धन्यवाद बहुत। अगर मैं मैथिली में पूछूं कि आपको अपनी जो हमको जानकारी मिली है कि यहाँ के दादी से बहुत ज़्यादा लगाव रहल इस बचपन में, और दादी ही यहाँ के जो न्यूमेरिक ज्ञान होइ छे वो चीज़ यहाँ के देने छत, तो ये घटनाक्रम जो किछ छे इन शॉर्ट में वो चीज़ कनी कहाँ मैथिली में बताबे की कोशिश करूँ। तो जब मैं मैथिली में इतना वो, तो जब मैं 4 साल की थी या 2-3 साल की आई थिंक, बहुत छोटी, तो फिर एक बार आई थिंक तो एक बार बाहर मैं खेल रही थी तो दादी ने मुझे बोला कि मतलब कुत्ते थे कुछ बाहर, तो दादी ने बोला कि 4 कुत्ते हैं, 4-4 करके, और काउंटिंग ऐसे सिखाई। आप जिस उम्र में उस हैं अभी, 24 साल आपकी उम्र है, अभी तक आपने कभी वोट किया है? हाँ। किस चुनाव में? जब मैं आई थिंक पटना में थी तो पहली बार आई थिंक, जब 18 साल की हुई थी उसके बाद। तो आप जो वोट करते हैं, तो मेरा सवाल घूम के इस चीज़ पे आएगा कि आप जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को हासिल किए हैं, गूगल में आपको नौकरी मिला है, और आप उस राज्य की निवासी हैं जिस राज्य में रोजगार को लेकर के मुद्दा बनता है, विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहती हैं, और आप वोट भी करती हैं, तो आप सरकार से क्या उम्मीद करती हैं रोजगार के विषय पर? आप जो वोट की हैं, या इससे पूर्व जो आप वोट की हैं, या भविष्य में जो वोट करेंगी, तो आपका सोचने का मायना मतलब किस तरह का है रोजगार को लेकर के, और सरकार के प्रति क्या आप सोचती हैं? एक तो मुझे, जैसे मुझे जो पर्सनली फील हुआ है बिहार में, कि जिसकी वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे स्कूल्स लेवल तक तो बहुत अच्छे से एजुकेशन का वो है, बट जैसे कॉलेज लेवल पे उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में अगर हम देखें, उतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जो हम बचपन से या फिर उस कॉलेज के लेवल पे हम जो प्रोवाइड कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे भी बाहर जाना पड़ा या फिर बहुत लोगों को बाहर जाना पड़ता है इस वजह से। तो अगर हम उस क्षेत्र में कुछ कर सकें तो बेहतर होगा। आपका जो रहन सहन ये है, या जो आपकी पढ़ाई है, वो शहरी क्षेत्र में हुआ है, आपका गांव ग्रामीण क्षेत्र है, सुदूर देहात इलाका है, तो गांव के परिवेश को आप समझती हैं, गांव गई हुई है, मतलब गांव की याद आती है? हाँ बिल्कुल, मतलब वहाँ पे जैसे अभी भी हम जाते हैं तो मतलब बहुत खेत में जाते हैं, और मतलब काफ़ी कुछ है वहाँ पे, चाचू भी रहते हैं मेरे, तो गाँव आना जाना बना होता है। हाँ गाँव में सबसे, मम्मी पापा तो यहाँ पे रहते हैं, गाँव में जो सबसे आपके नज़दीक हो कौन है, मतलब परिवार में? चाचा, चाचू ही हैं। चाचू क्या नाम है चाचा? शिवजी चाचू। शिवजी चाचू शिवजी हैं। तो ये संप्रीति थी जो अपने परिवार के बारे में भी, अपने पढ़ाई के बारे में भी, जो उनकी बेसिक स्टडी शुरुआती रही है उसके बारे में, फिर जो अभी तक का उनका संघर्ष रहा है कि कैसे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के बाद गूगल में ये बड़ी सफलता हासिल की, उसके बारे में जानकारी बताया है। हम इनके माँ से भी बात करेंगे, माँ शशि प्रभा, जो कि यहाँ पे योजना एवं विकास विभाग में सहायक निदेशक पद पर कार्यरत हैं, साथ ही इनके पिताजी रामाशंकर यादव जी, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं, और इनकी दादी, जिनके बारे में अभी संप्रीति ने बताया कि न्यूमेरिक ज्ञान जो होता है हंसते खेलते उन्होंने बताया था, तो उनसे भी हम लोग रूबरू होंगे। हमारे साथ संप्रीति के भाई आयुष हैं, जो कि उत्सुक हैं लगातार इंटरव्यू में, बार बार कौतूहल मचाए हुए थे, और आज इनसे बात करते हैं, और बार बार ये मैथिली भाषा का जिक्र कर रहे हैं, तो इनसे मैथिली में ही बात करेंगे। आयुष, हाँ। दीदी के सफलता पर कते खुश छी? बहुत खुश छी। लगातार लोग सब आबि रहल छथि घर पर बधाई देबाक लेल, केहन लागैए? बहुत नीक। और काल्हि अहाँ इंटरव्यू में एक जगह बाजल रही कि दीदी के जे हासिल भेल यऽ गूगल में 1,10,00,000 के पैकेज, ओहिके बाद अहाँके मिठाई नहि भेटल, पार्टी नहि भेटल, ई सत्य छै? बात सच है? नहीं, भेटल हमारा पार्टी। अच्छा भेटल। हाँ। तो इंटरव्यू से पहले के कल भेट गेल? इंटरव्यू से पहले भेट गेल। हाँ। तो आप नहीं लेबे दीदी से पार्टी? लेबे। अच्छा कथी के पार्टी लेबे? खाना के पार्टी लेबे। हाँ। हाँ, कौन क्लास में पढ़े छे? 3। दीदी पढ़ाई में मदद करे छे? हाँ। दीदी के तंग करे छे? नहीं करे छे। तो हंसा रहल छे? हाँ। हंसा रहल छे बाजित, मतलब तंग कर रहल छी? मतलब नहीं, हम नहीं करै छी। नहीं करै छी। दीदी सामने में छथि, पूछी दीदी से? हाँ पूछी। आयुष तंग करैए? हाँ। आप की कहबे? आप तो फंस गेलौं अहाँ। तो ये आयुष हैं जो कि बचने की कोशिश कर रहे थे अपने सवालों जवाब देते हुए कि वो दीदी को नहीं तंग करती, और सामने में उधर आ गए हैं।
तो ये आप लगातार इंटरव्यू में लगातार उत्सुक थे कि वो आए इंटरव्यू में और अपने दीदी के बारे में बताएं। हमारे साथ संप्रीति की दादी हैं और संप्रीति ने जिस तरह का वाक्य बताया कि पहले जो उनका न्यूमेरिक ज्ञान था वो हंसते खेलते कैसे परिवार के सदस्य बताते हैं और सिखाते हैं, तो उनमें सबसे बड़ा योगदान उनकी दादी का रहा है। और दादी अभी नेहरू नगर पटना आवास पर हैं और इनसे हम मैथिली में ही जानते हैं कि अपनी पोती की इस उपलब्धि पर किस तरह से खुशी व्यक्त करती हैं। अहाँ के पोती कहते पैघ उपलब्धि भेटल है, खुश छियै? हाँ, बड़ खुश छी। बड़ जानते छलिए, खेलबे छलिए, धियापुता में अबे छलिए त जन त कहते कि बुआ कते कुत्ता देखले, चार गिन दीतिए तैती पापा कै गो देखले या नै ना कह लेते चार चार। अच्छा, तो सीखने छी बच्चा में वही से सीखने छी। आई अहाँ के पोती जे ते पैघ उपलब्धि हासिल कले थे, अहाँ के गाँव से लग पूरा इलाका में जिला जवार में बहुत चर्चा भ रहा है, अहाँ सबके पूरा परिवार के लोग बधाई दे रहा है। अच्छा, जेठ बेटा ये है। तो पहले जे अहाँ सब बूढ़ पुरान छे, तो पहले जे बेटी होइ छलै या तो लोग कोइ छलै बेटी भऽ गेल, मतलब लोग के चिंता भऽ जाइ छलै कि केना कन्यादान करब, बेटी होइ छलै तो घरों में झगड़ा झंझट होबय लागै छलै, और अहाँ के घर के बेटी एते पैघ नाम रोशन कऽ देलै, लोग के की कहऽ चाहबै बेटी के लिए? हाँ, हमरा पोती भेल तो बड़ खुशी, बापो कहे अपना बेटी नहीं है, तनका बेटी के नहीं हम अथी करी छी, नहीं दूसरी छी आ नहीं करी छी, तनका सब माने छलिए, सब करे छलिए, बड़ जते छलिए। तो आप पोती अहूँ के सेवा करत ने? सेवा वापस हेतै ने, अहाँ पोती के सिखा पढ़ा कर एक पैघ बनेलिए, तो आप दाई बूढ़ भेलखिन तो दाई के सेवा करते पोती? तो बड़ खुशी मन भेल, सब ही खुशी में। तो ये दादी थी संप्रीति की, बहुत खुश हैं, उम्रदराज हैं, और ये पुराना वाक्य को जिक्र कर रही थी। तो अभी हमारे साथ हैं संप्रीति की माँ शशि प्रभा जी, तो शशि प्रभा जी से भी हम बात करेंगे। शशि प्रभा जी, आपका स्वागत। थैंक यू। हमने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आप संप्रीति के बारे में यह कह रही थी कि जब संप्रीति का जन्म हुआ तो आमतौर पर लोग बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो बेटी को लोग बेटा कहने लगते हैं, लेकिन आपका प्यार और उम्मीद इतनी बड़ी थी कि आप उन्हें बचपन से ही डायमंड करके कह रही थी। तो आपकी अपनी बेटी की सफलता पर प्रतिक्रिया, और आम लोगों को जो बेटी को कहीं ना कहीं एक तरह से बोझ समझ लेते हैं आज के समय में भी, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं किसी भी माँ बाप के लिए ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को बोझ ना समझे, और बेटा और बेटी में कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि बेटियाँ वो सब कुछ कर सकती है जो कोई मनुष्य कर सकता है, और बस बच्चे का पालन पोषण अच्छे से करें और उसमें पॉजिटिविटी भरते रहें। जब भी आप उसे अपने बच्चे को बेटा बेटी में फ़र्क नहीं करेंगे, और बेटी को बेटी ही रहने दें, लेकिन उसको इतना उड़ान भरने दें, उसे पंख लगने दें, उन्हें अपने घर में बोलने दें, और इतना बोलने अपने पिता के सामने, भाई के सामने इतना बोलने दें कि वह इतना मजबूत बन जाए कि वह बाहर जाकर कुछ भी कर सकती है। और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ किसी भी बच्चियों के लिए कि कोई भी बच्ची यदि अपने परिवार में दब कर रहेगी तो वह बाहर नहीं बोल सकती है, सड़क पर कैसे किसी सामना कर सकती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि अपने बच्चियों को अपने घर में बोलने दें, उन्हें अच्छी शिक्षा दीक्षा दें, उनके खाना पोषण पर भी ध्यान दें, मैंने उसे फर्क अपना करें कि बेटा है और बेटी है। हमारे यहाँ एक बोला जाता है कि बेटा से ही मोक्ष मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा है, ये सृष्टि ही लड़का और लड़की दोनों से चलता है, तो हम क्यों कौन होते हैं फर्क करने वाले? और जब हम फर्क नहीं करेंगे तो मैं समझती हूँ जैसे मेरी बेटी ने आज किया है, सबकी बेटियाँ ऐसे ही दुनिया में नाम रोशन करेंगी। शशि जी, आपका ससुराल हो गया हरलाखी के पंचगछिया गाँव, और आपका जो मायके हैं तो वो है बिस्फी विधानसभा, विद्यापति जी की नगरी। तो आप वहाँ का थोड़ा अपना परिचय देना चाहेंगी माता पिता का? मेरे पिता स्वर्गीय अरुण कुमार घोष वाटसन हाई स्कूल से रिटायर किए हुए थे, जो अब नहीं रहे, और मेरी माताजी मध्य विद्यालय गदियानी के प्रिंसिपल के पद से रिटायर हैं, श्रीमती चंद्रकला घोष, जो अभी मधुबनी में रह रही हैं। और मेरा पैतृक गाँव हुआ बिस्फी, मेरे दादाजी स्वर्गीय बनवारी कृष्ण यादव बड़े दादाजी थे, और स्वर्गीय राम स्वरूप राव जो तहसीलदार हुआ करते थे, और स्वर्गीय बनवारी कृष्ण यादव जो मेरे दादाजी थे वो 1932 ईस्वी में LLB थे, उस समय के
तीन सब्जेक्ट से एमए पास थे, हिंदी संस्कृत और इंग्लिश से एमए पास थे। तो हम लोग उस परिवार से आते हैं, अगली पीढ़ी में हमारे यहाँ सभी शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े रहे। मेरे बड़े चाचा लोग हेडमास्टर हैं, जिनके लड़का अभी डायरेक्टर DRDE हैं पटना में, श्री अरविंद कुमार। एक चाचा जो मिडिल स्कूल टीचर से रिटायर किए हैं, श्री माधव कृष्ण, उनका लड़का वीरेंद्र कुमार हैं जो अभी कमांडेंट हैं जोधपुर में, और भी चाचा सब हैं जिनके लड़के टीचर हैं। तो हम लोग बिस्फी से बिलोंग करते हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे मधुबनी लेकर आए और मैं मधुबनी से पटना लाई अपने बच्चे को लेकर आई। जहाँ तक मेरे ससुराल का सवाल है, तो मेरे ससुर जी स्वर्गीय सुशील यादव, जो अपने समय के बहुत जाने माने और अवेयर व्यक्ति थे, मतलब उस गांव में जो भी ग्रामीण परंपराएं हुआ करती थी उससे बिल्कुल दूर, आडंबर पाखंड अंधविश्वास से बिल्कुल दूर, अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि उस गाँव में शायद पहले मेरे पति ही रहे हैं जो भारत सरकार की सेवा में वायुसेना में वहाँ गए थे, और उसके बाद वायुसेना से सेवानिवृत्ति लेकर उन्होंने SBI ज्वाइन किया, जो आज SBI कुर्जी में कार्यरत हैं। शशि प्रभा जी, संप्रति का जो नाम है वो यूनिक नाम है। आमतौर पर ये जो, जैसे हमने गूगल और फेसबुक पर भी जब संप्रति को सर्च कर रहा था तो एक संप्रति की ही आईडी नज़र आई, तो इसके नाम के पीछे की कोई खास वजह? हाँ, इसका वजह है कि जब मेरी बेटी, मतलब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी बेटी का जन्म होने वाला था, तो उस समय मैं कलकत्ता में बैरकपुर एयरफोर्स स्टेशन में रहती थी, मेरे पति की वहीं मतलब सर्विस थी। तो मुझे जहाँ तक याद है कि जब हम वॉकिंग करने शाम को जाते थे तो एक बहुत अच्छा सा तालाब था, लेक, उसके किनारे चेयर पे बैठती थी मैं, और वहाँ एक दरवाज़ा बना था जिसमें संप्रीति लिखा हुआ था। तभी से मेरे दिमाग में आया कि मेरी बेटी होगी तो मैं संप्रीति ही नाम रखूँगी। और जब मैंने उसको सर्च किया, उसका अर्थ जानना चाहा, तो उसमें सेम हैप्पीनेस फॉर ऑल, तो मुझे ये बहुत अच्छा नाम लगा, इसलिए मैंने कलकत्ता में ही मतलब इसका नाम सोच लिया था जब ये पेट में ही थी तभी, और मैंने सोचा कि इसका बेटी होगी तो संप्रीति ही नाम रखूँगी। तो ये शशि प्रभा जी थी जो कि योजना एवं विकास विभाग में यहाँ पर सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, और इन्होंने बताया कि एक अच्छा सा वाक्य कि संप्रति की नाम रखने की वजह क्या थी, कि कैसे उन्होंने संप्रति के लिए नाम सोचा और नाम रखा, और किस तरह से उन्होंने अपनी बेटी को पाला है और अच्छी शिक्षा दीक्षा दी है, जिसके कारण से आज उन्हें गौरवान्वित होने का मौका पहले भी मिला है और अभी भी मिल रहा है। लोग लगातार उन्हें उनके घर पे आ रहे हैं, लगातार मीडिया अटेंशन उनको बेहतर ढंग से मिल रहा है। और अभी फिर हमारे साथ हैं संप्रीति के पिताजी रामाशंकर यादव जी। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हरलाखी के गंगौर पंचायत के पचगछिया गाँव इन लोगों का मूल निवास स्थान है और वहीं से ये आते हैं। फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये कार्यरत हैं और पूर्व में वायुसेना में भी इन्होंने अपनी सेवाएँ दी हैं। तो सबसे पहले इनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। रामाशंकर जी, आपकी बेटी संप्रीति के कारण पूरे सिर्फ आपका परिवार का ही नहीं, सिर्फ आपका नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन हो रहा है, सभी लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अगर मैं मधुबनी जिले की बात करूं तो मधुबनी जिले के हर एक प्रखंड में, हर एक जगह पर लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लगातार खबरें शेयर कर रहे हैं और संप्रीति को बधाई दे रहे हैं। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमने बचपन से ही संप्रीति को इतना अच्छा से लालन पालन और इतना बढ़िया से रखा है, और इनको हमेशा मोटिवेट किया, कभी जो है हमेशा नेगेटिविटी से दूर रखा है, और ये आज जो मुकाम हासिल की है तो हम लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। तो जो लगातार सोशल मीडिया पे लगातार आप लोग को बधाई दे रहे हैं, तो वो अपने क्षेत्र का जिक्र कर रहे हैं, अपने भाषा का लोग जिक्र कर रहे हैं, तो सब लगातार ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने गांव से लगाव अभी तक रखे हुए हैं, कि गांव से लगाव कट गया है और जो मैथिली भाषा के प्रति रहता है आम बोलचाल में, तो घर में मैथिली भाषा का प्रयोग होता है और गाँव से लगाव है अभी तक? हाँ बिल्कुल, बहुत लगाव है अभी भी। माँ हमारे साथ ही रहती हैं यहाँ पे, और जब हम लोग घर पे कोई बातचीत, कोई भी फंक्शन, कोई भी होता है, इवन पटना में भी और बाहर भी रहते हैं, तो कोई मैथिली भाषा के लोग मिल जाते हैं तो हम लोग मैथिली में ही अमूमन बात करते हैं, और बहुत लगाव है। और आपने जो कहा है, हमारा क्षेत्र जो है बहुत काफ़ी पिछड़ा हुआ है, और हम चाहेंगे खास करके लड़कियों के लिए सरकार की तरफ से जो हो, लेकिन एक बच्ची की तरह से संप्रीति एक रोल मॉडल बनी है, और हम भी वहाँ नंदलाल महावीर उच्च विद्यालय हैं, वहीं से पढ़े हैं, और सबको हम यही कहना चाहेंगे कि बच्चियों को, आप बच्चा भी खास करके वहाँ तो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, लेकिन बच्चियों के लिए खास करके जो 34% है वो काफ़ी साक्षरता जो है वो काफ़ी कम है, मतलब एक स्थिति जो कहें, और इसमें हम चाहेंगे कि इससे जो है काफ़ी बच्चियों को मोटिवेशन मिलेगा, और हम लोग भी चाहते हैं कि उस तरह का कुछ फाउंडेशन और कुछ ये करें कि सोसाइटी को हम लोग रिटर्न करें, खास करके बेटियों को आगे करने के लिए हम लोग भी बहुत सारे प्लान कर रहे हैं। तो
तो ये रामशंकर यादव जी थे और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जिस तरह से साक्षरता दर हरलाखी क्षेत्र का कम है उस पर उन्होंने दुख प्रकट किया है और बताया कि भविष्य में ये लोग फाउंडेशन या जो भी सांगठनिक रूप से जिस तरह से भी हो पाएगा ताकि कुछ समाज को ये लोग रिटर्न कर पाएँ, ये इनका एक तरह से सोच है, अच्छी सोच है और इसमें संस्कृति को भी शामिल करके ये लोग चाह रहे हैं कि भविष्य में हरलाखी क्षेत्र के लिए खास करके शिक्षा के क्षेत्र में कैसे बेहतर उन्नति हो यहाँ की बेटियों का, साथ में बेटों का भी, तो इसके लिए लोग काम करेंगे। ये बहुत अच्छी मैसेज इनके पिता रामशंकर यादव जी की तरफ से यहाँ पे दिया गया है। तो फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, आप लगातार बने रहे BNN News के साथ। धन्यवाद।